जय मसीह की। आज हम मरकुस की पुस्तक से अध्याय 6 के 33 से 44वें वचन में 5000 पुरुषों को खिलाने के बारे में जानेंगे। बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया। मरकुस 6 का 33वें वचन में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और वे इकट्ठे होकर पैदल उनके पीछे दौड़े चले गए, क्योंकि वह भारी भीड़ यीशु के चंगाई के कार्य को देख चुकी थी तथा वह भीड़ उसके पीछे अपने छुटकारे व चंगाइयों के लिए होली। जब यीशु ने उस भारी भीड़ को देखा तो उसने उन पर तरस खाया, जैसे भटकी हुई भेड़ों के समान हो जिनका कोई चरवाहा नहीं होता, क्योंकि वह भीड़ अब तक अपने अपने दुखों और दर्दों में भटक रही थी। कोई बीमारियों से पीड़ित था, कोई दुष्ट आत्माओं से, हर कोई किसी न किसी तकलीफ में था तथा वह यीशु के पीछे एक आशा के साथ चल दिए, क्योंकि अब तक उनका कोई छुड़ाने वाला उनके पास ना पहुंचा था। जब उन्होंने यीशु को चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा व परमेश्वर की ज्ञान की बातें करते हुए पाया तो वे उनके पीछे हो लिए। इसलिए यीशु ने भी उन पर तरस खाया और वहाँ प्रभु यीशु ने उन्हें बहुत सी बातें परमेश्वर के ज्ञान की सिखाई। फिर हम देखते हैं कि यीशु के चेले उसके पास आए और कहा कि दिन बहुत ढल गया है और यह जगह भी सुनसान है, क्योंकि दिन ढलने तक भी भीड़ वही ठहरी रही तो उसके चेलों को चिंता होने लगी। हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु से कहा कि अब इन्हें विदा कर कि या सब जाकर पास की बस्तियों से कुछ अपने अपने लिए खाने को ले आए, और दिन ढल गया है तो वह अब भूखे होंगे, क्योंकि उनमें कई बूढ़े बच्चे व स्त्रियां भी थे। तो वह सोचने लगे कि हम तो इनके खाने का प्रबंध यहाँ नहीं कर पाएंगे। फिर यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम इन्हें कुछ खाने को दो। तब चेले यीशु से कहने लगे, हम क्या 100 दिनार की रोटियां मोल लें और इन्हें खिलाए, क्योंकि वे यीशु के हृदय की बात को जब तक समझ ना पाए थे। वे तो केवल यही जानते थे कि उनके पास इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है ही नहीं, वे तो केवल थोड़ा ही भोजन अपने साथ लिए चलते थे। वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाकर या देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। तब चेलों ने देखकर यीशु को बताया कि उनके पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछली ही है। फिर यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि सबको हरी हरी घास पर पाती पाती से बैठा दें, जिसका अर्थ है आगे पीछे करके बैठा दें, और वे 100-100 और 50-50 करके बैठ गए। तब यीशु के चेलों ने भी वैसा ही किया जैसा यीशु ने उनको करने के लिए कहा, क्योंकि वे यीशु की सुनते थे तथा उसकी आज्ञा को भी मानते थे। हमें भी जैसा हमारा परमेश्वर कहे वैसा ही करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लिया तो उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसती जाएं, तथा इसी तरह मछलियां भी उन सब में बढ़ती चली गई। इस वचन में हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखते हैं कि कैसे उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को वरन इससे भी ज़्यादा को खिलाया, क्योंकि ऐसा करने से पहले यीशु ने भी अपने पिता पर कमी में विश्वास किया और उसमें भी उसका धन्यवाद किया और उसका प्रतिफल उसे भी उसी समय कई गुना मिला। हमें भी सर्वप्रथम अपनी आशा अपने परमेश्वर पर रखनी चाहिए, चाहे हमारे सामने कोई असंभव परिस्थिति ही क्यों ना हो। हमें अपने कमियों में संदेह नहीं करना चाहिए, वरन विश्वास और धन्यवाद ही
करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कठिनाइयों से, विपत्तियों से व कमियों से निकालने के योग्य प्रभु हैं। वह उनसे बढ़कर हमें आशीष व बरकतें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपने कमी व घटियों में कुड़कुड़ाएं नहीं, वरन विश्वास करें परमेश्वर पर और उसका धन्यवाद करें और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करें। फिर देखें कि हमारा परमेश्वर कैसे आकाश के झरोखों को खोलकर हम पर कृपा की अपरंपार वर्षा करता है। फिर आगे हम वचन में देखते हैं कि वहाँ सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए और उस स्थान में जो कुछ टुकड़े बच गए थे उसके चेलों ने उसे भी 12 टोकरियाँ भर कर उठाई और कुछ मछलियाँ भी उठाई। यह वचन हमें दिखाता है कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाकर जब तृप्त कर दिया तब भी कुछ टुकड़ों से भरी टोकरियाँ यीशु के चेलों ने उठाई। या वही चेले थे जो बोल रहे थे कि हम कैसे इतने को खिला सकते हैं। उन्होंने वहाँ उन्हें खाते भी देखा तथा खुद अपने लिए टोकरियाँ भरी। यह आश्चर्य कर्म यीशु ने अपने चेलों के सामने प्रकट किया जो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर कह रहे थे कि हम इसे कैसे खाना खिलाएं। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें कभी भी संदेह नहीं करना है, वरन हमेशा विश्वास करना है कि वह हमें हर मुश्किलों से और परेशानियों से निकालेगा। इसके पश्चात अंत में हम देखते हैं कि जिन्होंने रोटियां खाई 5,000 पुरुषों के अलावा स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े भी अलग अलग थे जिन्होंने रोटियां खाई। इससे भी अधिक मनुष्य हो सकते हैं। यह परमेश्वर का अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किया। मेरे भाइयों और बहनों, आप भी अपना भरोसा अपने जीवित खुदा पर रखें जो हमें हर मुश्किल और परेशानियों से निकालता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।